लास्ट क्लास में जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल था, दैट वॉज फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप का। अब इसी फंक्शन डिक्लेरेशन का एक और एग्जाम्पल हम आज कवर करने वाले हैं। थोड़े से सिंटेक्स के अंदर यहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से इस एग्जाम्पल को क्रिएट किया। प्रोग्राम हमारा बहुत ही सिंपल सा है। मेन के अंदर हम यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यूज का इनपुट लेने वाले हैं और वो इंटीजर वैल्यूज हम पास करने वाले हैं इज मैक्स नाम के एक फंक्शन को। और ये जो फंक्शन है ये हमें रिटर्न करने वाला है कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है आउट ऑफ द टू वैल्यूज दैट वी हैव पास। सबसे पहले यहाँ पे stdio और conio हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे क्योंकि मेन को मैंने पहले क्रिएट किया है तो करना होगा, फंक्शन को जब हम बाद में क्रिएट करते हैं तो पहले उस डिक्लेरेशन देना कंपलसरी है, वरना फिर हमारे पास में एरर आ सकती है। एरर क्यों आती है? क्योंकि मेन को जो ये फंक्शन है ये नहीं मिलता है प्रोग्राम में। तो यहाँ पर मैंने इस मैक्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका रिटर्न टाइप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है। ऑब्वियसली जब हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो जो वैल्यू ग्रेटर होगी, जो वैल्यू बड़ी होगी वो हमें रिटर्न होगी। तो यहाँ पे उसका टाइप इंटीजर जरी है, तो इसलिए इन टाइप रिटर्न टाइप यहाँ फॉलोड बाय फंक्शन का नाम दैट इज इसमैक्स, और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी वेरिएबल की लिस्ट अलोंग विद द डेटा टाइप। अब यहाँ पर अभी तक मैंने फंक्शन तो क्रिएट किया ही नहीं है, तो मुझे क्या पता कि यहाँ पर कौन से वेरिएबल्स आने वाले हैं, या फिर जब मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगी तब किस टाइप के वेरिएबल्स को हम काम में लेंगे। लास्ट एग्जाम्पल में जब हमने इज इवन नाम का फंक्शन क्रिएट किया था तो वहां पे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था नम नाम का, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे थे तब भी वेरिएबल का नाम मेंशन था, जब डिफाइन कर रहे थे तब भी वेरिएबल का नाम मेंशन है। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि मैं फ्यूचर में किस टाइप के वेरिएबल का नाम मेंशन करने वाली हूँ, तो हमारे पास में ऑप्शन है कि हम यहाँ पर सिर्फ डेटा टाइप को मेंशन करके वेरिएबल के नेम को स्किप कर सकते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बनेगा? इस मैक्स नाम का जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है वो बेसिकली जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये दो वैल्यूज को एज अ इनपुट रिसीव करेगा, और वो दो वैल्यूज होंगी इंटीजर टाइप की, और इसका रिटर्न टाइप भी हमारे पास में इंट ही होने वाला है। तो आपको जब नहीं पता हो कि वेरिएबल का नाम किस तरीके से रखने वाले हैं या क्या रखने वाले हैं, या जब हम बनाएंगे तब वेरिएबल का नाम डिसाइड करेंगे, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड डेटा टाइप्स को मेंशन करके हाल फिलहाल के लिए उसे होल्ड पे रख सकते हैं। जब डिफाइन करेंगे तब प्रॉपर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आने वाली हैं और दोनों आएंगी इंटीजर टाइप की, चाहे तो वेरिएबल का नाम दे सकते हैं और एल्स यू कैन अवॉइड इट। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन को क्रिएट किया है void main। अगेन main जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने void को एज अ रिटर्न टाइप काम में लिया है। सबसे पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन, क्योंकि दो इंटीजर्स का इनपुट हम यही लेने वाले हैं, तो int n1 कॉमा n2 दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं फॉलोड बाय clr str। उसके बाद मैंने printf की हेल्प से एक मैसेज प्रिंट करवाया है दैट इज एंटर टू अस, और scanf की हेल्प से एक ही स्टेटमेंट में दोनों वेरिएबल्स के अंदर इनपुट को रिसीव कर लिया। scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ n1 कॉमा एड्रेस ऑफ n2। अब यहाँ पर मैंने printf की हेल्प से मैसेज भी प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, और फंक्शन को भी यही कॉल कर लिया है। कल मैंने आप लोगों को बताया था रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में जो भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है उसे मेन में गेट करने के लिए हमारे पास में दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है कि किसी वेरिएबल में आप वैल्यू को स्टोर करवा लें। अब वेरिएबल नहीं काम में लेना है, हमें मेमोरी को कंज्यूम नहीं करना है, मेमोरी हमारी फ्री रहनी चाहिए ताकि प्रोग्राम हमारा फास्ट काम करे। तो हम डायरेक्टली प्रिंटएफ के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जो भी वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो इस स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रिंटएफ में सबसे पहले एक मैसेज है दैट इज मैक्सिमम %d कॉमा इज मैक्स n1 कॉमा n2। तो अब यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो कॉल होगा। यहाँ पे मैंने दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को पास किया। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे यूजर ने जो हमें नंबर इनपुट किए हैं n1 के अंदर 10 है और n2 के अंदर 5 है। तो यहाँ पर होता क्या है, हम वेरिएबल्स को कभी भी पास नहीं करते हैं, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है ना
वो वैल्यू जाती है हमारे फंक्शन के अंदर। तो इस मैक्स में 10.5 हमारे पास में जाने वाला है। तो अब यहाँ पर हमारा जो एग्जीक्यूशन कर्सर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो इस फंक्शन पे पहुंच जाएगा। अब फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पर हमें यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम मेंशन करना जरूरी है। डिक्लेरेशन में स्किप कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं होगा तो जो वैल्यू यहाँ से पास होके आ रही है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी। इंट तो हमारे पास में एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप में थोड़ी वैल्यू स्टोर होती है, वेरिएबल में स्टोर होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर वेरिएबल के नेम मेंशन करना कंपल्सरी है। तो इंट इज मैक्स int a comma int b। तो अब n1 के अंदर जो वैल्यू थी that is 10, वो कहां जाके स्टोर हो जाएगी, इस a नाम के वेरिएबल के अंदर। और जो n2 की वैल्यू थी that is 5, वो कहां जाके स्टोर होगी, इस b नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल की लिस्ट हमें पास करनी है, और हर एक वेरिएबल के साथ में उसका डेटा टाइप भी मेंशन होगा। बेसिकली एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे ए और बी दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, डिक्लेयर किए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट इस फंक्शन के अंदर मैंने इन टाइप का ही मैक्स नाम का आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखिये यहाँ पर अगर आप चाहें तो किसी वैल्यू को स्टोर करवा के भी काम करवा सकते हैं, मैंने यहाँ पे उसको अवॉइड कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे बस ये चेक करना है कि आउट ऑफ द टू वैल्यूज कौन सा वैल्यू हमारा मैक्सिमम है, जो भी मैक्सिमम है उसको बस रिटर्न करवा दे। तो इफ की हेल्प से मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज में। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए के अंदर n1 की वैल्यू आ रही है यानी कि 10 आ रहा है, बी के अंदर n2 की वैल्यू आ रही है यानी कि 5 आ रहा है। तो अगर 10 हमारा 5 से बड़ा है, obviously 10 5 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने पे क्या होता है, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया है रिटर्न ए। तो अब यहाँ पे ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज 10, वो रिटर्न कहाँ रिटर्न होगी, जहां से उस फंक्शन को कॉल किया गया है। तो अब इस फॉर्मेट स्पेसिफाई हमारी जो वैल्यू रिटर्न होके आई है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम कोलन 10 हमारे पास में आउटपुट आएगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 10 और 5 की बजाय 10 और 15 यूजर ने इनपुट किया होता, तो अब 10 जो है वो तो 15 से बड़ा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स होने पे हम आ जाएंगे एल्स वाले पार्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है रिटर्न बी। अब कहाँ रिटर्न होगा, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है। तो इधर आके हमारी जो 15 वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और आउटपुट आएगा मैक्सिमम कोलन 15। तो कुछ इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन आप एक मैक्सिमम वैल्यू को गेट कर सकते हैं आउट ऑफ द टू इंटीजर्स। और लेकिन हमारे यहाँ पे जो मेन पार्ट था वो था इस डिक्लेरेशन। आई होप एग्जाम्पल सबको क्लियर है। किसी को किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। उसके बाद लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने फंक्शन प्रोटोटाइप का सबसे पहला एग्जांपल किया था, तब मैंने आप लोगों को वहाँ पे दो टर्म्स बताई थी, एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, या फिर हम इन्हें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। अब दोनों का मतलब क्या है, फंक्शन को कॉल करवाते टाइम हम जो भी वैल्यूज पास करते हैं वो वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स कहते हैं। तो जो पैरामीटर्स कॉलिंग के टाइम पे फंक्शन को पास किए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और फंक्शन को डिफाइन करवाते टाइम जो हम वेरिएबल की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये कहना तरीके की पैरामीटर पासिंग या वैल्यू पासिंग जैसे कि हम करते आए हैं अभी तक, अगर वो इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके दो तरीके। सबसे पहला तरीका होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा तरीका होता है कॉल बाय रेफरेंस। अब ये कैसे काम करता है इस एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मैंने मेन के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं इन टाइप के x एंड y। x के अंदर 10 एज अ वैल्यू स्टोर्ड है और y के अंदर 20 एज अ वैल्यू स्टोर्ड है। अब मैंने सिंपली यहाँ पे किया क्या है,
fun नाम के एक फंक्शन को कॉल किया है और x और y की वैल्यूज को पास कर दिया है। तो अब यहाँ पे होगा हमारा जो एग्जीक्यूशन का कर्सर है वो इस फंक्शन पे आ जाएगा, int फंक्शन जो है हमारा दैट इज fun int x कॉमा int y। अब यहाँ पर होता क्या है, जब भी हम फंक्शन की कॉलिंग करवाते टाइम वेरिएबल की लिस्ट मेंशन करते हैं या कोई भी एक वेरिएबल मेंशन करते हैं तो कभी भी वेरिएबल यहाँ पर पास नहीं होता है। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है यानी कि 10 और 20 जो हमने स्टोर करवाया होता है वो 10 और 20 आके स्टोर होता है इन वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट सिर्फ वैल्यू के तौर पे ट्रैवल कर रहा है यानी कि 10 और 20 ट्रैवल करेगा, एक्स और वाई ट्रैवल नहीं करता है। तो अब जब हमारा ये प्रोग्राम एग्जिस्टेंस में आएगा तो एक्स हमारी एक लोकेशन है और वाई हमारी एक लोकेशन है, ठीक है। x के अंदर हमने 10 स्टोर करवा दिया और y के अंदर हमने 20 स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमारा फंक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा। फंक्शन तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आता है जब तक हम उसे कॉल नहीं कर लेते, तो इस पॉइंट पर आके फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे फिर से हमने वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन किया, तो अब यहाँ पे होगा क्या, दो और मेमोरी लोकेशंस एग्जिस्टेंस में आएंगे जिनका नाम भी x और y है लेकिन मेमोरी लोकेशन इनका अलग अलग होगा। अब यहाँ पे जिस सीक्वेंस में हम वैल्यूज को पास करते हैं उसी सीक्वेंस में वो वैल्यूज यहाँ आके असाइन होती है। पहली वैल्यू 10 है तो वो आके स्टोर होगी पहले वेरिएबल के अंदर यानी कि x के अंदर, तो ये इधर x के अंदर 10 आके स्टोर हो गया। सेम गोज फॉर द सेकंड वेरिएबल एज वेल, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू है 20, 20 आके कहाँ स्टोर होगी, सेकंड वेरिएबल के अंदर यानी कि y के अंदर, तो अब ये y के अंदर 20 आके स्टोर हो गया। अब हम आ जाएंगे इस फंक्शन के कंस्ट्रक्ट के अंदर। अब मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, x के अंदर 20 स्टोर करवा दिया है और y के अंदर 10 स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर हम कौन से x y की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस x y वेरिएबल की जो इस फंक्शन में क्रिएट करेंगे, यानी कि ये जो मैंने ग्रीन बॉक्सेस क्रिएट किए हैं यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर है अब हम इनमें चेंजेस करने वाले हैं। x के अंदर क्या स्टोर है, 20 मैंने स्टोर करवाया और y के अंदर मैंने क्या करवाया है, y के अंदर मैंने 10 स्टोर करवा दिया है। तो अब मेन का जो एक्स वाई है उसके अंदर तो 10 और 20 ही है लेकिन जो फंक्शन का एक्स वाई है उसके अंदर 20 और 10 मैंने चेंज करवा दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन ये है कि जब भी हम किसी भी तरीके के वेरिएबल्स किसी ब्लॉक के अंदर क्रिएट करते हैं तो ये वेरिएबल्स मेमोरी में सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक इस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन चल रहा है, यानी कि जैसे ही हमारे इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा सारे स्टेटमेंट्स हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करके इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, उसी पॉइंट पर हमारे जो फंक्शन के वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी में से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि इनके अंदर आ जाएगा मेमोरी लोकेशन के अंदर आ जाएगी अब गार्बेज वैल्यू। तो अगर हम इस फंक्शन के एक्स वाई वेरिएबल के अंदर किसी भी तरीके के चेंजेस करते हैं तो मेन के एक्स वाई वेरिएबल के अंदर किसी भी तरीके के चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं होंगे। टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को यूज करके अगर हम किसी भी तरीके के चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं, अभी जैसे हमने मैक्सिमम वाला एग्जांपल किया, अगर हम n1 और n2 की वैल्यू को a और b के अंदर पास कर रहे हैं, a और b में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी वैल्यू आप कर दीजिए उसमें स्टोर, जैसे ही उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर होगा वह a और b उसके अंदर गार्बेज आ जाएगा। तो अब a और b में जो भी चेंज हुआ है वो n1 और n2 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की वजह से किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये प्रोसेस हमारा कहलाता है कॉल बाय वैल्यू, जहां पे सारी फंक्शनिंग होती है विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज दैट वी हैव पास्ड। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा लिया, वैल्यूज को चेंज कर दिया, तो फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो मैंने प्रिंट एफ किया है %d %d x,
तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एक्स वाई की बात हो रही है जो मेन के अंदर क्रिएटेड है. तो 10 और 20 हमारे पास में आउटपुट वाला है. फंक्शन के अंदर मैं चेंजेस कर दिए थे, x में 20 कर दिया था, y में 10 कर दिया, तो 20 और 10 आउटपुट नहीं आएगा कि फंक्शन एग्जीक्यूट के खत्म होने के साथ ही ये वेरिएबल्स हमारी मेमोरी में से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब इनके अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर है, नहीं करेगा. प्रोसेस इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू. अब किसी भी टर्म में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ. देखिए एग्जाम्पल जो है बहुत ही सिंपल सा है. टू नंबर्स का मैंने यहाँ पे एडिशन करवा के उसके वैल्यू को रिटर्न करवाया है. अब यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाने के बाद मैंने एड नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, क्योंकि जो दो इनपुट ये रिसीव करने वाला है उन इनपुट पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके ये हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर टाइप का ही. तो इंट एड इंट एन वन कॉमा इंट एन टू. अब इस फंक्शन के अंदर मैंने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है. रिजल्ट इज इक्वल्स टू एन वन प्लस एन टू. तो इसकी वैल्यू आएगी और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी उन दोनों के बेसिस पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा. जो भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक सिंगल वैल्यू जनरेट होगी वो इस रिजल्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी. अब मैंने यहाँ पे n1 और n2 वेरिएबल के अंदर प्लस 100 कर दिया. लेट्स सपोज कि n1 के अंदर 10 एज अ वैल्यू आया है और n2 के अंदर 20 आया है, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, क्योंकि 10 और 20 में प्लस 100 किया है. और उसके बाद मैंने यहाँ पे रिजल्ट उससे रिटर्न करा दिया प्लस फंक्शन को कॉल किया गया. तो अभी इस पॉइंट पर तो सिर्फ जो हमारा फंक्शन है वो मेमोरी के अंदर लोड हुआ है. अब हम इसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेन के अंदर कॉल करेंगे. तो मेन के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं एन वन एंड एन टू, और उनका जो फंक्शन को कॉल करने के बाद होगा उसको स्टोर करवाने के लिए सम वेरिएबल. तो इस पॉइंट पर क्या होगा, हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर n1, n2 एंड सम तीन वेरिएबल हमारे क्रिएट हो जाएंगे. तो यहाँ पे तीन मेमोरी लोकेशन आ जाएगी. अभी इस पॉइंट पर तीनों मेमोरी लोकेशन पर हमारे पास में गार्बेज होगा. जब इनपुट लेके करवाएंगे वैल्यू असाइन तब गार्बेज रिमूव होके लॉजिकली करेक्ट वैल्यू आ जाएगी. तो डिक्लेरेशन इज फॉलोड बाय CLRSCR. अब printf की हेल्प से मैंने सिंपल एक मैसेज दिया है दैट इज एंटर टू इंटीजर्स, और scanf की हेल्प से मैंने दोनों वेरिएबल्स के अंदर इनपुट किया है %d एंड %d एड्रेस ऑफ n1 कॉमा एड्रेस ऑफ n2. तो लेट्स अज्यूम कि यहां पे यूजर ने 10 और 10 एज अ इनपुट प्रोवाइड किया, तो इसका जो मेमोरी लोकेशन है वहां पर स्टोर हो गया और इसका जो मेमोरी लोकेशन है वहां पर भी जाके 10 स्टोर हो गया. अब यहाँ पे मैंने फंक्शन की कॉलिंग की है एड एन वन कॉमा एन टू, यानी कि 10, 10 मैंने इस एड फंक्शन को पास किया है. तो अब यहाँ पे होगा क्या, अब फंक्शन का एग्जीक्यूशन हमारा होगा. फंक्शन का एग्जीक्यूशन, अब यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं हमने, तो ये दो वेरिएबल हमारे एग्जिस्टेंस में आ गए और यहाँ पे वैल्यूज कहाँ से आ रही है, हमारी मेन से आ रही है. तो इसके अंदर भी 10 और इस n2 के अंदर भी 10. इस फंक्शन में मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया रिजल्ट नाम का. इस पॉइंट पर इस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल के अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मैंने लिखा है रिजल्ट इज इक्वल्स टू n1 प्लस ऑफ n2. तो 10 प्लस 10 20 होगा जो जाके रिजल्ट के अंदर असाइन हो गया. तो ये 20 इधर जाके असाइन हो गया. उसके बाद मैंने लिखा है n1 प्लस इक्वल्स टू 100. तो 10 प्लस अगर हम लोग 100 करते हैं तो 110 बन जाएगा, ये n1 के अंदर 0 आ गया. n2 plus equals 200, यानी कि 10 plus 100, it is also 110. तो अब n2 की जगह भी 10 की जगह भी n2 में 110 आ गया. तो अब रिजल्ट के अंदर 20 है, n1 और n2 के अंदर 110 और 110. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मैंने लिखा है रिटर्न रिजल्ट. अब यहाँ पे होगा क्या, जो रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया है इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है यानी कि जो 20 स्टोर है वो अब हमारे मेन में रिटर्न होगा. अब मेन में कहाँ रिटर्न होगा, जहां से उस फंक्शन
को हमने कॉल किया, फंक्शन को हमने इधर से कॉल किया है, हमेशा राइट हैंड साइड पहले सॉल्व होता है उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जाके वैल्यू स्टोर होती है, तो जो यहाँ पे 20 वैल्यू रिटर्न हुई है वो सम वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो मेन में जो सम वेरिएबल था उसके अंदर गार्बेज को हटाकर अब 20 स्टोर हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पर आने से पहले, इस पॉइंट पर आने से पहले हमारा जो ये फंक्शन था होगा क्या, तीनों वेरिएबल्स मेमोरी में हो जाएंगे, यानी कि अब इनके अंदर ये लॉजिकली करेक्ट वैल्यू के बजाय कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे n1, n2 और सम की वैल्यू को प्रिंट करवाती हूँ तो ये वैल्यूज तो हमारी लॉस हो गई। तो n1 के अंदर 10 ही है, n2 के अंदर 10 ही है और सम के अंदर 20 ही है। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके आपने जो भी चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगे। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है कॉल बाय वैल्यू, जहां पे सारी वर्किंग सिर्फ वैल्यूज को यूज करके हो रही है। तो अब यहाँ पे इसके बाद मैंने सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं। प्रिंट एफ सम इज पर्सन डी, तो सम वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो इधर आके स्टोर हो जाएगी। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ n1 कोलन पर्सन डी, तो n1 की जो वैल्यू है वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब कौन से वाले n1 की बात हो रही है, जो हमारे मेन वेरिएबल के अंदर है। अगेन प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ n2, तो n2 की जो वैल्यू है वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, यानी कि अगेन 10 आके स्टोर हो जाएगा। सो दैट्स हाउ कॉल बाय वैल्यू वर्क्स। एक बार ही इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि कैसे ये काम कर रहा है। प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, बस उसे ओपन कर लेते हैं। ये फंक्शन 5, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया सारे वही स्टेप्स है। अगर इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ, लेट्स अज्यूम कि 10 और 10 ही अभी हम इनको दे रहे हैं, तो 10 और 10 सम 20, वैल्यू ऑफ n1 10, वैल्यू ऑफ n2 भी 10, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं वो मेन के n1 n2 पे कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगे। सो दैट्स हाउ कॉल बाय वैल्यू वर्क्स। एक और बार एग्जीक्यूशन कर लेते हैं, कोई डिफरेंट वैल्यू दे लेते हैं, 10 और 50। तो देखिए n1 का वैल्यू 10 ही है, n2 का वैल्यू 50 है और रिजल्ट हमारा जो सम है वो 60 हो चुका है। So that's how call by value works. और ये function का by default feature होता है, जब भी हम value passing करते हैं तो इसी तरीके से वो काम करता है। Function के अंदर जितने भी variables created है आप उन्हें main के अंदर access नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ भी changes किए हैं तो main में भी उनका कोई effect नहीं पड़ेगा। That is call by value. अब अगर यहाँ पे main में जो variable है उनमें हम कुछ भी तरीके की वर्किंग करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन, तो फंक्शन में अगर चेंजेस किए हैं तो मेन में रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए जो कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड बाय रेफरेंस, पर वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो तब तक आप डिक्लेरेशन और कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना, किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप नेक्स्ट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।